गीता की वह कौन सी तीन बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं या खुश रह सकते हैं? गीता की कौन सी तीन बातें? पहली बात, हमें सुख नहीं खोजना है जी, हमें श्रेष्ठ लक्ष्य खोजना है। ये सुख जो है ये तो ऐसी चीज है कि जितना हम उसके पीछे भागते हैं वो भोग काल में अच्छा तो लगता है लेकिन उससे समाधान नहीं होता, क्योंकि भोग काल जब समाप्त होता है तो पश्चात वही वासना द्विगुणित होके फिर से उठ जाती है जी। और वो वासना की पूर्ति में यदि रुकावट आए तो फिर क्रोध आ जाता है। तो हम जो वासनाएं बनाते हैं उसमें दो संभावनाएं, या तो पूरी होगी या उसकी पूर्ति में रुकावट आएगी। पूरी होने पर लोभ आ जाएगा और पूरी नहीं होगी तो क्रोध आ जाएगा। तो क्रोध के लिए श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, में देखो क्रोध आया तो तुम्हारी बुद्धि सम्मोहित हो जाएगी, तो स्मृति नष्ट होगी जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो आत्मा का पतन हो जाएगा। इसीलिए तुम समझो कि तुम जो सुख खोज रहे हो वो बाहर के पदार्थों के आधिक्य से नहीं मिलेगा, अंदर की स्थिति का उत्थान करने से मिलेगा। तो वो उत्थान कैसे होगा? अपने जीवन में एक श्रेष्ठ लक्ष्य को खोजो। अब वो श्रेष्ठ लक्ष्य को हम कैसे खोजेंगे, इसलिए इसके लिए गीता का की एक दूसरी बात जी, वो क्या है? ज्ञान का महत्व। हम लोगों को लगता है कि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अरे साहब, वो हम तो चाहते थे मन अच्छी बातें सोचे और मन बार बार नेगेटिव की ओर चला जाता। हमको लगता है कि साहब ये मन वश में नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन एक चीज है बुद्धि। अब वो बुद्धि अगर चाहेगी उसमें ऐसी शक्ति है वो तत्काल मन को कंट्रोल कर सकती। मान लो एक 5 साल का बच्चा है, उसके माता पिता बार बार कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, उसको मन नहीं लगता, कहता है मन नहीं लगता मैं क्या करूं जी। और वही बच्चा अपने स्कूल की वार्षिक परीक्षा में फाइनल एग्जाम में जाता है तो वहां 2 घंटे की परीक्षा में वो मन को कंट्रोल करके और उत्तर देता जाता। अब बताइए ये एकाग्रता कहां से आ गई? साल भर तो कह रहा था मन नहीं लगता, परीक्षा के समय कैसे लग गया? और वो एकाग्रता यदि साल भर रखता तो वो तो फिर टॉप कर जाता पूरे स्कूल में। एकाग्रता का कारण ये था कि बुद्धि ने निश्चय कर लिया ये 2 घंटे इंपॉर्टेंट है। अब अगर मन ने गड़बड़ी की तो फिर पूरा साल गवाना पड़ेगा, फिर मम्मी पापा पिटाई करेंगे इत्यादि इत्यादि। अब ये जब विचार हुआ बुद्धि ने, ये ज्ञान रखा कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने मन को कंट्रोल कर लिया। तो हम सब के अंदर ऐसी शक्ति है तो उसका उपयोग करना, इसी को कहते हैं विवेक। अब लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया गीता की। लोग कहते हैं साहब कर्म योग हम जानते हैं, ज्ञान योग जानते हैं, भक्ति योग जानते हैं, हठ योग जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बुद्धि योग, बुद्धि योग, बुद्धि योग उपाश्रित्य, बुद्धि योग का प्रयोग कर, यानी बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल कर। तो वो कैसे होगा? जब हम अपनी बुद्धि को सत ज्ञान से सशक्त बनाएंगे, जब बुद्धि को क्लियर हो जाएगा अभी असली आनंद यहां से मिलेगा और जीवन एक श्रेष्ठ उद्देश्य से भगवान ने हमको दिया है इत्यादि इत्यादि। तो वो ज्ञान पर जब हमारी मान्यताएं बन जाएंगी तो हमारी बुद्धि में ऐसी शक्ति आ जाएगी वो मन को कंट्रोल कर पाएगी और हम अपने रथ, शरीर रूपी रथ को इंद्रियों सहित सही दिशा में घुमा पाएंगे। तो
ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात, अगर कष्ट आए तो घबराओ मत जी। अब देखिए अर्जुन जो था गीत, वो एक संकट में पड़ गया कि युद्ध शुरू होने जा रहा था और उसने देखा कि इस परिस्थिति में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा कर्तव्य क्या है जी। तो उसके सामने एक संकट आ गया, धर्म संकट, बुद्धि का संकट, ज्ञान का संकट, और उसने अनुभव किया कि संकट का सामना करने की मेरे पास शक्ति नहीं। तो कहता है गांडीवम संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वचमे मन एवं मुक्त्वा अर्जुनः संखे रथोपस्थोपाविशत् विसृज्यं सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। हे श्री कृष्ण, मेरा तो मुख सूख रहा है, मेरे घुटने हिल रहे हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो ये अर्जुन जो विषाद में था, वहां से गीता का प्रारंभ हुआ। लेकिन वेद व्यास जी जो गीता को अपने महाभारत में सम्मिलित किए, वो प्रथम अध्याय का शीर्षक दिए है अर्जुन विषाद योग। वो ही विषाद एक स्प्रिंग बोर्ड बन गया अर्जुन के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए, जीवन की अनुभूतियों को और आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर अर्जुन विषाद में नहीं जाता, उसको वो गहरा ज्ञान भी नहीं मिलता। अब विषाद की जो मिला, तो उसने श्री कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, मुझे अपना कर्तव्य बताइए। और उसके द्वारा जो योग हुआ, ये अर्जुन का लाभ हुआ। तो विषाद भी योग का एक अवसर बन गया। अतः जब जीवन हमको कोई खट्टी चीज देता है, मान लो आपको नींबू दे दिया संसार ने जी, तो या तो हम कड़वाहट ले आए, ये क्या हो गया भाई, अथवा हम उसी का नींबू पानी बना लें। तो इसलिए यहाँ पर भी विश्वास रखें कि भगवान की एक श्रेष्ठ योजना है, हम घबराएंगे नहीं और जितना भी कष्ट आए हम लगे रहेंगे। चरैवैते चरणवै मधु विंदति, जो लगा रहता है जीवन में, चाहे हानि हो, लाभ हो, निंदा स्तुति, यश अपयश, एक दिन वो लक्ष्य पर पहुंचता है और उसे वो मधु मिल ही जाती। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, ये गीता के तीन खास बातें जो आपको जीवन में या तो सफल बनाती है या खुश रहना सिखाती है।